वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ के लालगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सपा और कांग्रेस कहने को तो दो दल हैं, लेकिन दुकान एक है, यह झूठ का सामान बेचते हैं। सपा और कांग्रेस वाले तुष्टीकरण करते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 10 साल पहले एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो कहीं भी लोगों का ध्यान आजमगढ़ की ओर जाता था। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में आतंकियों का सम्मान करते थे। दंगा करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अब याद करिए, 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था, लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे, धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था, स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला, अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा, और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है लेकिन दुकान एक ही है, ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं।